हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। एंड गेम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड गेम लास्ट वीडियो में मैंने शुरू किया था एंड गेम के बारे में, अपोजिशन से आपको सब कुछ बता दिया था। अब हम डीप में जा रहे हैं ग्रैंड मास्टर लेवल, आईएम लेवल के एंड गेम्स के पजल के बारे में। यहाँ पे कई बार हम लोग जल्दबाजी में गेम ड्रॉ करने के चक्कर में कुछ मिस्टेक कर देते हैं, और कैसे मिस्टेक, जो नॉर्मली आपको सिंपल दिखेगा कि ये गेम तो ड्रॉ हो जाएगी। जैसे कि ये पोजीशन है आपके सामने, अभी जो पोजीशन है यहां पे, अगर ब्लैक ने रुक F5 से चेक दिया तो वाइट को लग रहा है सिंपल में रुक F4 एक्सचेंज कर दू, और रुक F4 के बाद ब्लैक हमारा रुक टेक्स रुक करेगा और हम किंग से रुक को मारेंगे और सिंपली गेम ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि वर्टिकल पोजीशन में है और पॉन से बाजू में किंग है। तो ये जो मैंने आपको सिचुएशन बताई, ये एकदम इजी गेम ड्रॉ है। आप सोच सकते हो कि ये गेम ड्रॉ है या नहीं, मुझे जरा सोच के बताइए। 1 मिनट वीडियो पॉज करके थिंक कीजिए, वही पोजीशन जो मैंने पहले आपको बताई थी उस पोजीशन से गेम ड्रॉ है या नहीं। जो व्हाइट ने मिस्टेक की थी उस मिस्टेक के बाद गेम ड्रॉ नहीं है दोस्तों। मिस्टेक क्या है वो मैं अब आपको बताऊंगा। यही सिचुएशन में ब्लैक ने जब चेक दिया तो व्हाइट की सबसे बड़ी मिस्टेक है रुक F4। क्या आप सोच रहे हो कि ब्लैक रुक टेक्स रुक करेगा? नहीं, ब्लैक के पास सबसे ब्रिलियंट मूव है, विनिंग मूव है किंग G5, और आपके रुक के ऊपर डबल अटैक आ गया किंग और रुक का। अब आपको कंपलसरी उसके रुक को मारना पड़ेगा, वरना वही आपके रुक को मार देगा, और वो भी फ्री में। अब जैसे ही आपने रुक टेक्स रुक किया, उसका किंग पॉन के आगे आ गया, और अपोजिशन के रूल के हिसाब से ये पोजिशन में अगर व्हाइट का मूव है तो सिंपल ब्लैक की विनिंग है, और मूव आ गया व्हाइट के पास। व्हाइट का किंग F2 और किंग F4, किंग G2, तो किंग E3 और सिंपल ब्लैक विनिंग। दोस्तों, एक मिस्टेक आपकी गेम ड्रॉ के बदले लॉस करवा सकता है, इसीलिए ऐसी ऐसी पोजीशंस आपको बता रहा हूं। बहुत ही मजा आएगा वीडियो में, तो हर एक वीडियो आप देखिए, सब अलग अलग आपको अनगिनत पोजीशन देखने को मिलेगी, जहां से आपकी एंड गेम इतनी पावरफुल हो जाएगी कि ज्यादातर मोस्टली एंड गेम में आप गेम ड्रॉ या विन करके ही आओगे। दोस्तों, एक और चीज आपको सीखने की जरूरत है, माइंड स्क्वायर। इसमें माइंड स्क्वायर का मतलब क्या है कि जिस स्क्वायर में आने से ब्लास्ट हो जाता है माइंड स्क्वायर, तो मतलब किंग ब्लैक के लिए B6 इज अ माइंड स्क्वायर, व्हाइट के लिए यहाँ पे C4 इज अ माइंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे पोन को जो पहले सपोर्ट करेगा और अटैक करेगा वो गेम लॉस हो जाएगा। जैसे कि मैं व्हाइट से अगर खेल रहा हूं, तो मैं अगर किंग C4 खेलूंगा तो यहां पे ब्लैक किंग B6 खेलेगा, और फाइनली मुझे ये पोन छोड़ना पड़ेगा और किंग को पीछे ले जाना पड़ेगा, और मेरा पोन सिंपल लॉस हो जाएगा। पोन लॉस होने के बाद गेम लॉस होती है। यहां पे अगर मैं किंग C3 करता हूं तो ब्लैक अगर मिस्टेक करके माइंड स्क्वायर में आ जाता है किंग B6 के अटैक विथ डिफेंड, यहां ब्लैक लॉस होगा, क्योंकि तुरंत किंग C4 आने के बाद ब्लैक को ये पॉन छोड़ना पड़ेगा और उसका पॉन आपको मिल जाएगा। तो माइंड स्क्वायर की वजह से ये गेम ड्रॉ हो सकती है, जैसे कि किंग C6, ब्लैक किंग B7 इंस्टेड ऑफ किंग B6, या फिर ब्लैक किंग D7 भी खेल सकता है। तो यहां पे समझो किंग B6, व्हाइट अगर अटैक करता है तो ब्लैक विनिंग, और ब्लैक पॉन पे अटैक करता है तो व्हाइट विनिंग। तो व्हाइट भी अटैक नहीं करेगा किंग B3, आप खेलोगे किंग C7, और इस पॉन के आजू बाजू कोई भी नजदीक में जा नहीं पाएगा, इसीलिए इसे माइंड स्क्वायर कहते हैं। दोस्तों, ये पोजीशन में व्हाइट के पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? सबसे पहले अगर व्हाइट ने पॉन मूव कर दिया, जैसे कि A4, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। व्हाइट के पास बेस्ट ऑप्शन है जो D5 बाय लाइन क्लोजिंग। ब्लैक आपके पॉन को जब कैप्चर करता है, अगर नहीं मारता है तो देन D6 की थ्रेट है, तो पॉन टेक्स पॉन फर्स्ट फोर्स मूव। उसके बाद व्हाइट खेलेगा A4,
यहाँ पे ब्लैक को किंग ई फोर जरूरी है, क्योंकि अगर डी फोर किया तो ए फाइव देन डी थ्री देन किंग ई वन और व्हाइट कैन स्टॉप दिस पॉन बट ब्लैक कैन नॉट स्टॉप दिस ए फाइव पॉन। तो ये जो चांसेस है यहाँ पे जब पॉन टेक्स पॉन ए फोर उसके बाद ब्लैक को कंपल्सरी मूव जो है किंग ई फोर खेलना पड़ेगा। आफ्टर किंग ई फोर सिंपल ए फाइव विनिंग, क्योंकि किंग बर्गर स्क्वायर से पीछे है, किंग डी फोर देन सिंपल ए सिक्स और वाइट विन। तो ये फर्स्ट मूव जो था, फर्स्ट डिसीजन, उसी पोजीशन में गेम का रिजल्ट आ जाता है, उसी पोजीशन में। मतलब जब आप डीप कैलकुलेशन करते हो, ये सभी चीजें डीप कैलकुलेशन की है कि कब कौन सा मूव करना है। यहाँ पे अगर पहले आपने डी फाइव किया तो गेम जीत रहे हो आसानी से। पर कैसे आसानी से? अगर आपने ए फोर किया तो गेम यहाँ पे हाथ से चली जाएगी, किंग ई फोर आ जाएगा, फिर ए फाइव से कोई फायदा है नहीं। यहाँ पे सिंपल किंग डी फाइव और आपके पॉन के बर्गर स्क्वायर में किंग आने के बाद आपका ये पॉन तो मर ही जाएगा, बाद में आपके पास एक ही पॉन बचेगा और ब्लैक कैन विन दिस गेम। तो गेम चेंजिंग मूव्स होते हैं कभी कभी गेम में, इसीलिए ध्यान रख के ज्यादा सोच के आपको मूव करना होता है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड गेम यहां पे। आप पहले वीडियो पोस्ट कर दीजिए, पोजीशन देखिए और मुझे बताइए कि कौन सिंपल गेम जीत रहा है। मेरी पहली नजर से अगर मैं देखूं तो यहां पे ब्लैक इज विनिंग, क्योंकि ब्लैक का जो किंग है ये पॉन के बिल्कुल नजदीक में है, दो स्टेप में बर्गर स्क्वायर के अंदर आके उसे मार देगा, पकड़ भी सकता है। लेकिन व्हाइट का जो किंग है ये बहुत ही पीछे है, मतलब ये पॉन को चेस कर नहीं सकता। अगर इस पोजीशन में कहा जाए कि व्हाइट टू प्ले है तो भी व्हाइट किंग इसे चेस नहीं कर सकता, लेकिन ये गेम परफेक्ट ड्रॉ है। आपने जो सोचा था उससे बिल्कुल अलग है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम जब गेम खेलते हैं टूर्नामेंट में और ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तब हम एकदम इजीली के चलो ये तो गेम लॉस हो गई, ये पॉन को मैं चेज नहीं कर सकता, ब्लैक तो मेरे पॉन को आसानी से पकड़ लेगा, और हम लोग रिजाइन करके खड़े हो जाते हैं, चलो गेम हार गया, और सामने वाले को पॉइंट दे के आ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में मायूस होना नहीं है, लास्ट तब आपको फाइट देना है चेस में, कहीं न कहीं कुछ न कुछ रास्ता चेस में होता ही है। अब यहां पे व्हाइट कैसे गेम को ड्रॉ में कन्वर्ट करता है, तो सबसे पहले व्हाइट किंग जी सेवन खेलेगा और इस पॉन को चेस करने की थ्रेट देगा। यहां पे ब्लैक क्या खेलेगा? ब्लैक के पास दो ऑप्शन है, या तो किंग खेलो या पॉन खेलो। अगर ब्लैक ने एच फोर कर दिया तो यहां किंग आएगा एफ सिक्स से। अब देखो हम दो बाजू थ्रेट देते जा रहे हैं, एक तो अपने पॉन के पास जाने की और दूसरी थ्रेट उसके पॉन के पास जाने की, डायगोनली आना है। बहुत ही बढ़िया टेक्निक है दोस्तों। ब्लैक यहां पे अगर एच थ्री खेलता है तो यहां आपको सिंपल किंग ई सिक्स खेलना है। अब कैसा मजा आएगा? अगर ब्लैक प्ले एच टू सिंपल सी सेवन और नेक्स्ट मूव में सी एट क्वीन आपकी बन रही है, और यहां पे अगर ब्लैक इसे स्टॉप करने जाता है तो आपका किंग भी उसे अपोजिशन लेके विनिंग कर सकता है। मतलब ड्रॉ गेम तो कंफर्म हो गई यहां पे। यही मूव ऑर्डर में आप कोई भी चांस ले लो दोस्तों, सभी चांस में गेम ड्रॉ ही है। अब ऐसी एंड गेम कोई नहीं जल्दी आपको बताएगा दोस्तों। देखिए किंग जी सेवन, यहां पे समझो मानो कि मैंने, कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए कि सर वो तो पॉन के बजाय किंग ही पॉन के पास पहले ले लेता है तो आपकी क्या थ्रेट रहेगी? कोई बात नहीं, मैं चलूंगा किंग एफ सिक्स। अब आपको क्या करना है? किंग से पॉन मारोगे तो मैं किंग जी फाइव लाके आपके पॉन को पकड़ लूंगा, तो आप किंग से पॉन नहीं ले सकते।
और आपका पोन पकड़ा नहीं जाए तो आपको h4 खेलना पड़ेगा। इस सिचुएशन में किंग को खेलूंगा e5 पे। अब सेम सिचुएशन, आप किंग c6 मारोगे तो किंग f4 आके आपके पोन को पकड़ लेगा। तो अगर आप पोन चलाओगे तो सेम सिचुएशन, किंग d5 और फिर से गेम गोइंग टू ड्रॉ। बहुत ही बढ़िया एंड गेम है, इसे आप डिटेल में चेक कीजिए। मैंने तो इतने ही वेरिएशन बताए, इससे बहुत सारे वेरिएशन है। अलग अलग मूव्स करके आप चांस लीजिए कि इसमें कहीं ना कहीं विनिंग आती है नहीं, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहूंगा कि इस पोजीशन में गेम विनिंग नहीं आती है। आप फिर से यही पोजीशन का फोटो खींच लीजिए मोबाइल से और वही पोजीशन बोर्ड के ऊपर सेट कीजिए और कोई अपने पार्टनर से इसकी डिस्कस कीजिए। बहुत मजा आएगा दोस्तों। और भी ऐसे जबरदस्त एंड गेम के पोजीशन में लेके आपके सामने जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात।